बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनव राजस्थान पार्टी टिकट घोषित करेगी। अजमेर में राज्य स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा, आज 100 टिकटों की घोषणा होगी। प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता यहां जुटे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। अभिनव राजस्थान पार्टी जल्द ही टिकट की घोषणा करेगी। 100 टिकटों की आज घोषणा होगी। इससे पहले एक रैली भी निकाली गई। प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। अजमेर में राज्य स्तरीय बैठक के बाद ये घोषणा हो रही है। 100 सीटों पर आज अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अभिनव राजस्थान पार्टी कर देगी। पार्टी कार्यकर्ता यहां पर हैं और प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो इंतजार में कि अब उनके नामों का खुलासा होगा, सामने आएंगे वो 100 नाम अभिनव राजस्थान पार्टी के, जो जनता के बीच जाएंगे। और आज अब से कुछ ही देर बाद 100 टिकटों की ये घोषणा हो जाएगी। अभिनव राजस्थान पार्टी के टिकटों की घोषणा, 100 सीटों पर आज नाम सामने आएंगे। अजमेर में राज्य स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा होगी। 100 टिकटों पर फैसला हो गया है, 100 नामों पर चर्चा हो गई है अभिनव राजस्थान पार्टी की, और इन नामों की घोषणा आज हो जाएगी। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत बाजी, अभिनव राजस्थान पार्टी ने मार लिया है कम से कम नामों के मामले में तो। देखिए बिल्कुल, अभिनव राजस्थान पार्टी की ये रैली यहाँ पर सुबह चल रही है। ये जनकपुरी धर्मशाला से शुरू हुई है और ये शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकलेगी और करीब 3 बजे ये रैली वापस से जनकपुरी धर्मशाला पहुंचेगी, जहाँ करीब 100 टिकटों का ऐलान आज जो इस पार्टी है उसके प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौधरी वो यहाँ पर करने वाले हैं। ये इस रैली के माध्यम से जनजागरण लाई जा रही है। जो नारा जो अभिनव राजस्थान पार्टी की ओर से दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि अब राजनीति में लोक नीति को लेके आना है और जो, माफ कीजिएगा, जो सुचिता की जरूरत है राजनीति में, उस सुचिता का पदार्पण जो है वो राजनीति में करना है। इसके चलते ही ये राज्य भर के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर अजमेर में आज जुटे हैं और रैली के माध्यम से ये जन चेतना और अपना संदेश जो है वो आम जन तक पहुंचा रहे हैं। ये रैली जनकपुरी धर्मशाला से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से निकली है और इस वक्त ये कवंडसपुरा रोड की तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ से ये पड़ाव केसरगंज कचहरी रोड होते हुए वापस धर्मशाला पहुंचेगी और वहाँ पर दोपहर करीब 3 बजे पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक चौधरी वो राजस्थान की 100 सीटों का यहाँ पर ऐलान करेंगे और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। सुमित अभिजीत, तो ये कहना गलत नहीं होगा शायद, बीजेपी और राजस्थान में तो कम से कम बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं इन चुनावों में। देखिए, शुरुआती जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उसके लिहाज से ये कहना गलत नहीं है कि जाहिर तौर पर ये जो तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ है उसके अलावा ये जो छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हुई हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर पेश करेंगी जब चुनावी मैदान में जब आमने सामने का मुकाबला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य भर से जो लोग जुटे हैं इनके पीछे समर्थकों का एक बड़ा हुजूम है। करीब 500 से 550 प्रमुख कार्यकर्ता पार्टी के पूरे स्टेट से यहाँ पर जुटे हैं और कमोबेश आप यही स्थिति दूसरे दलों की भी मान के चलेगा। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को इस बार ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि राजस्थान के इतिहास में थर्ड फ्रंट कभी भी नहीं रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जो लोग थर्ड फ्रंट के रूप में निकल कर सामने आए वो कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ रखने वाले लोग हैं और क्षेत्र में उनकी पकड़ है, जनता में उनकी पहुंच है। लिहाजा ये चुनाव काफी रोचक और दिलचस्प होने वाला है जब माहौल बनाने की अगर हम बात करेंगे। हालांकि अभी भी चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से जुड़े बता रहे थे, अभिनव राजस्थान पार्टी आज 100 सीटों पर अपने नामों की घोषणा कर देगी और उससे पहले ये तस्वीरें भी सीधी रैली निकाली जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। नमो ऐप के जरिए बातचीत होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होगा। बूथ कार्यकर्ताओं से चुनाव संबंधित संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शाम 4:30 पर कैरियर पॉइंट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
भाजपा के बूथ महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा राजस्थान के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा बाड़मेर पहुंचे। मालानी एक्सप्रेस से बाड़मेर पहुंचने पर इनका जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल की अगुवाई में स्वागत हुआ। भजनलाल शर्मा और रामचरण बोहरा विभिन्न बैठकों में शिरकत करने के साथ साथ आम जनता से भी रूबरू होंगे। दोनों ही नेता अपना फीडबैक भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को देंगे। कामा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कमल संदेश बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली देवीगेट से शुरू हुई। रैली के जरिए भाजपा सरकार को लेकर आम जनता को प्रेरित किया गया, साथ ही मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। इस वाहन रैली में काफी संख्या में वाहन सवार शामिल हुए। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर से चुनाव में अपना मुख्य एजेंडा बताने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर को लेकर देश भर में छिड़ी बयानबाजी के बीच कोटा में राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा और ये काम बीजेपी राज में ही होगा। इससे पहले कोटा में प्रभारी नियुक्त किए गए पंचारिया ने यहां के मोदी कॉलेज में बूथ और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ अलग अलग समूहों में बैठकें की। इन बैठकों को प्रत्याशी फीडबैक से जोड़ा जा रहा है। देखिए जी, जहां तक राम मंदिर के मुद्दे का सवाल है, ये चुनाव नजदीक आता है तब लेते, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा हमारे तो ये एजेंडे में है, घोषणा पत्र में है। हमने कह चुका थे कि राम मंदिर के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक हिंदुस्तान के अंदर पार्टी है कि वो राम, भगवान श्री राम का मंदिर और अयोध्या में बनाएगी ही। अब तो आपने देख लिया होगा, डिबेट हो रही है, लगातार हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है। पहले टिकट रिवीजन, फिर मिलेगा टिकट। जी हां, प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए बीजेपी ने कुछ मापदंड तैयार किए हैं, जिसके तहत रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा। सीएम राजे और मदनलाल सैनी को चुनावी व्यस्तता के चलते टिकट रिवीजन के काम से दूर रखा गया है। पहले टिकट रिवीजन, फिर मिलेगा टिकट। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा टिकटों का बंटवारा। 23 नेताओं को दी गई 33 जिलों की कमान। जी हां, प्रदेश में बीजेपी टिकट बंटवारे पर फिर से मंथन का काम शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक इस काम के लिए 23 बड़े बीजेपी नेताओं को 33 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इन 23 नेताओं को मिली जिम्मेदारी के बाद कई नेता तो दिए गए स्थानों पर पहुंच भी गए हैं और दिए गए निर्देशों के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। चलिए अब ये जान लीजिए कि ये 23 नेता किस आधार पर काम करेंगे। नेताओं को जातीय समीकरणों को देखना होगा। नेताओं को ये जानना होगा कि वर्तमान में किस जाति का वोट बैंक कितना है। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव के जातिगत वोट बैंक को देखना होगा। ये नेता दावेदारों की जीत का आधार खंगालेंगे। कौन सी जाति पार्टी से क्यों नाराज है, इसका सर्वे भी नेता करेंगे। विधायक की परफॉर्मेंस क्या है, कार्यकर्ताओं की राय क्या है और जनमानस के बीच में उनकी छवि कैसी है, तो इस मुद्दों के आधार पर पार्टी का आलाकमान तय करेगा कि उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त कौन है। ये कोई अपवाद की बात नहीं है कि कोई विधायक चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका फैसला आलाकमान सही समय पर सही फैसला करेगा। बहरहाल उपचुनाव से लेकर बीजेपी एंटी इंकम्बेंसी से जूझ रही है, लिहाजा प्रदेश स्तर पर तो पार्टी के पदाधिकारी टिकटों के लिए हुए मंथन और मैराथन बैठक से संतुष्ट नजर आए होंगे, लेकिन पार्टी के आलाकमान ने अपने सर्वे के आधार पर सभी मान्यताओं को ध्वस्त कर फिर से इन नेताओं को दावेदारों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।